तो आज हम फिर से निकल चुके हैं वॉक पे। पता है दोस्तों हम वॉक इतना क्यों करते हैं, क्योंकि ये इतनी सुंदर जगह है तो गाड़ियों से नहीं फील कर पाएंगे। जितना ज़्यादा वॉक करेंगे उतना ज़्यादा ही और ज़्यादा एंजॉय करते हैं। और हम जहाँ जा रहे हैं वो है सौरभ वन विहार, जो कि बहुत ही फेमस पॉइंट है, बट यहाँ से दूर है। यहाँ से हमारे घर से 2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और 2.5 किलोमीटर पहाड़ों पर डिस्टेंस तो अच्छा खासा होता है। बट हमने भी प्रण लिया है कि हम तो पतले हो के रहेंगे, और हम जब वापस जाएंगे तो ऐसा ना हो कि हमें हमारे पेरेंट्स ही ना पहचाने। तो वॉक करते करते हम अपने पुराने डेस्टिनेशन पे आए। एक्चुअली हम जब यहाँ आए थे पहली बार तो हमने स्टे यहीं पे किया था, और तभी हमें ये जगह बहुत पसंद आई थी। तभी तो बहुत वॉक करना है, एक्चुअली थोड़ा सा डिस्टेंस तो है बट अच्छा फील आता है। वॉक करने में टायर्डनेस भी होती है बट मज़ा भी आता है। लकीली हमें एक शॉर्टकट तो दिखा जिसको हम थोड़ा सा रास्ता कवर कर सकते हैं शॉर्टकट से। हमें इससे भी बड़ा शॉर्टकट देख गया बट हमारी तो हिम्मत नहीं है, इतना खतरनाक रास्ता अभी हम क्रॉस कर पाए। तो ये जब यहाँ रहने लग जाएंगे तब की बात है। तो चलते हैं और आगे। जब आप स्लोप पे नीचे आते हो फिर तो परेशानी नहीं होती, टेंशन तो मुझे अभी से ही हो गई है। अगर शेयरिंग कैब नहीं मिला तो कैसे ऊपर जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी इवनिंग हो चुका है और हम निकले ही थे 4 बजे, 4:30 के अराउंड, और वॉक करके आने में मुझे हमें आधे घंटे से भी ज़्यादा लग गया। ऐसे तो हमें सौरभ वन विहार नहीं जाना है, आज इवनिंग हो चुका है और ऑलरेडी हम लास्ट टाइम गए थे। हम यहाँ पे बस वॉक करने आए थे और हम यहाँ मैगी खाने आए हैं और चाय पीने। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत सा एक रेस्टोरेंट है छोटा सा, जो कि सौरभ वन विहार के जो भी टूरिस्ट आते हैं या घूमने आते हैं तो यहाँ पे चाय और मैगी और भी कुछ वैराइटीज़ हैं, लास्ट टाइम भी हमने खाया था तो अच्छा होता है, इनका टेस्टी होता है और प्राइस भी रिजनेबल है। इनका सेटअप बहुत अच्छा लगता है मुझे, जो इन्होंने सेटिंग अरेंजमेंट्स किए हुए हैं वुड का और प्लास्टिक के कलरफुल्स, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत यूनिक है। ऐसे तो ये लोकेशन थोड़ा पहाड़ों से घिरा हुआ है तो यहाँ थोड़ा जल्दी अंधेरा हो गया है, अभी 5:30 हुए हैं बट ये ऑलमोस्ट डार्क हो चुका है। तो जी हम चाय पी के निकल चुके हैं, अब थोड़ी देर वेट करते हैं कुछ शेयरिंग टैक्सी मिल जाए या बस मिल जाए। तो 15-20 मिनट वो वेट करने के बाद हम पैदल ही निकल चुके आगे, क्योंकि हमने अपनी होप ख़त्म कर दी थी। तो यहाँ से वापस जाने के लिए बहुत चढ़ाई है, नीचे पहाड़ों से उतरना तो इजी होता है बट अभी हमारा चढ़ाई का हैबिट नहीं है।
तो थोड़ी दूर आगे जाने के बाद हमें दूर बस दिख गई थी और हम वहाँ रुक गए और बस हमें मिल गई। तो हम अब वापस निकल पड़े घर के लिए। यहाँ के लोगों में एक चीज़ बहुत अच्छी क्वालिटी है, लोगों में एग्रेशन नहीं होता है। अगर यही दिल्ली में ट्रैफिक हो जाए या कहीं और, तो लोग एब्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ करने लग जाते हैं, बट यहाँ पेशेंसली एक दूसरे को कॉपरेट करते हैं, ये यहाँ का बेस्ट पार्ट है। तो मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।